नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ट्रेडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2001 का अर्थशास्त्र का पेपर। तो देख पाते हैं कि आपने कितना अध्ययन किया हुआ है, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्पादन के द्वितीय चरणों में। नेक्स्ट है, यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और यह टाइम सेव करने के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ति बिलुजदार होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौद्रिक लागत। नेक्स्ट है, तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली है, सभी आर्थिक इकाइयाँ इतनी छोटी होती हैं कि उनमें से कोई मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती। नेक्स्ट है, साधनों की गतिशीलता पर मूल्य पर कोई सामाजिक रोक नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये आप शर्तें हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, एक शर्त आपकी ये है अपूर्ण प्रतियोगिता, और तीन ऑप्शन आपके पास ये हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म सम में तभी होगी जब, तो आपका ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमर्जिकल टू एमसी। नेक्स्ट, अनाज का एक मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है, ये कथन किसका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकार्डो। नेक्स्ट है, जब मुद्रा की पूर्ति उसके मांग के अपेक्षा इतने नीचे गिर जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसारण अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह कथन किसका है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जे एम केन्स का। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईडीए। नेक्स्ट है, गत वर्षों से विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विनिमय दर व्यवस्था को मोटे तौर पर स्वतंत्र परिवर्तनशील दर से लेकर एक मध्यस्थ मुद्रा में अपरिवर्तनीय दर से टांकने के दर से भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका चार ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता परिवर्तनशील दर व्यवस्था। नेक्स्ट है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ होता है, तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा का अधमूल्यन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे समस्त साधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। नेक्स्ट है, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद वितरण। नेक्स्ट है, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो बच्चे आय वर्ग के उपभोग के रूप स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है, कथन किसका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यू जनवरी का विचार। नेक्स्ट है, एक संकुचन तकनीकी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गिरावट में एकरूपता लाने के लिए। नेक्स्ट है, हैरल्ड डोमर प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि समाज में बचत की औसत दर 10% है कि वो अनुपात 4 है, जनसंख्या वृद्धि दर 1% है, तो अर्थव्यवस्था के लिए साधारण समृद्धि दर क्या होगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, उससे संबंधित उद्योगों, समूह, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्र सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीचे से नियोजन के रूप में। नेक्स्ट है, जब भारत जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। नेक्स्ट है, आदर जनसंख्या ज्ञात करने के निम्न सूत्र में खाली स्थान भरिए, तो आपका भर लिया होगा आपने, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ। नेक्स्ट है, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, निम्न ग्राफ प्रकट करता है, तो आपके पास ग्राफ बना हुआ है, तो आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधोगामी। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में कर की राशि को माप किससे जा सकती है? तो आपके पास ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, S1 वक्र एवं वक्र की दूरी से। नेक्स्ट है, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ था? तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1999 से 2000 के बजट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर। नेक्स्ट है, गुंडाल मृडाल हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन के अर्थशास्त्री। नेक्स्ट है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी मनी वह पूंजी है जो? तो आपने लगा लिया होगा, तो मैं आपको एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, आप लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक सिद्धांत है, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक प्रमाणिक परिकल्पना। नेक्स्ट है, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता है? तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान भरी है यदि MU सीमांत उपयोगिता है? तो आपका सही आंसर होगा, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, TU। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर? तो अपन देख सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भिन्न होगी। नेक्स्ट है, सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपने पढ़ लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की रुचि एवं मांग प्राथमिकता से। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुओं के लिए एंजल वक्र है? तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऋणात्मक ढाल वाली होगी। नेक्स्ट है, हेक्सर तथा ओहिलिन के लिए सापेक्षिक वस्तु मूल्य तथा राष्ट्रों के व्यापार में अंतर का प्रमुख कारण निम्न में से किस अंतर में है? तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादन साधन। लियोन्टीफ विरोधाभास का संबंध होता है? तो आप लगा लिया होगा, तो आपके पास सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, हेक्सर ओलेहिन सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रोफेसर एच हेंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को वर्णित करते हैं? आप लगा लिया होगा, तो आपके पास आंसर है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवृद्धि प्रभाव के रूप में। नेक्स्ट है, खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, आप इसको आगे पीछे कर देख सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो प्रचलन मुद्रा की मात्रा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सैमुअल के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है? आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकट अधिमान सिद्धांत। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था थी? तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर विनियम प्रमाप। तो मित्रों, ये था आपका पेपर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बाई मिस्टेक गलत हो गया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।